हमसे कहा गया है नीचे लिखी परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स को देखने के लिए और फिर उन्हें सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करने के लिए। संख्याओं को देखो ये कहने की क्या जरूरत है, जाहिर है हम ऐसा ही करते। तो यहाँ है 1/2 ऋणात्मक 5, 3.30, 21/12 ऋणात्मक 5.5 और 2 = 1/8। और इन्हें हल करने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि हम एक लंबी संख्या रेखा खींचें और उस पर इन सभी संख्याओं को अंकित कर दें ताकि इनकी तुलना करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आए। चलिए अब खींचते हैं एक लंबी सी संख्या रेखा यहां पर। तो ये रही हमारी संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। और अब हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऋणात्मक संख्याएं हैं यहां जिनमें सबसे छोटी है ऋणात्मक 5.5 और कुछ धनात्मक संख्याएं हैं जिनमें सबसे बड़ी है 3.3। ये यहां पर 2 से कम है और ये यहां पर सबसे बड़ी है। तो इस लिहाज से हम यहां पर आराम से शून्य अंकित कर सकते हैं इधर मध्य में, शायद थोड़ी और दाई और क्योंकि हमारे पास ऋणात्मक संख्या अधिक है। तो ये है 0, ये है ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4 और ये है ऋणात्मक 5। तो अब हम धनात्मक दिशा में जाते हैं 1, 2 और 3। अब हम इन्हें आलेखित यानी प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1/2 को। तो इसे हम कहां पर अंकित करें, पर पहले हम अपने पैमाने यानी स्केल को थोड़ा और सही कर लेते हैं। तो ये होगा 1, 2, 3 और 4। तो अब शुरू करते हैं 1/2 से। और 1/2 ठीक बीच में स्थित होता है 0 और 1 के, यानी आधा भाग है 1 पूर्ण का और ये 1 पूर्ण होगा यानी 1 होल। इसे 1 से नामांकित करते हैं। तो यहां पर है 1 और 1/2 ठीक बीच है 0 और 1 के, तो 1/2 यहां पर स्थित होगा। तो ये है, तो ये हुआ, इसे फिर से लिख लेते ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, 1/2 ये रहा और इसे हम 0.5 भी कहते हैं। हमारी अगली संख्या है ऋणात्मक 5 यानी -5। तो ये है ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 5। ऋणात्मक 5 यहां पर स्थित होगा। और फिर हमारे पास है 3.3, धनात्मक 3.3। इसे नीला रंग देते हैं, धनात्मक 3.3। तो ये होगा 1, 2, 3 और हमें 0.3 चाहिए यानी 1/3 और थोड़ा सा कम 1/3 से 3.33333 निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए 1/3 से कम करीब यहां पर होगा। तो ये यहां पर है 3 और ये यहां पर होगा 0.3। तो यहां पर होगा 3.3। आगे बढ़ने से पहले हम इन सब बिंदुओं को नामांकित कर देते हैं संख्या रेखा पर। तो यह है 1, 2, 3, 4, यह है 0, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 5 और इसी तरह से आगे भी। अब हमारे पास है 0 और इसे आप देख सकते हैं यहां पर, इसे गुलाबी रंग देते हैं और संख्या रेखा पर 0 है यहां पर और इसे हम नारंगी रंग देते हैं ताकि आप इसे देख सकें। और अब हमारे पास है 21/12 जो कि है विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब देखते हैं इसे कहां पर अंकित किया जाना चाहिए, 21/12 को संख्या रेखा पर कहां स्थित करें। पर पहले इसे नीला रंग देते हैं और अंकित करने से पहले इसे मिश्रित संख्या यानी मिक्स्ड नंबर में बदल देते हैं ताकि हल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 12 जाएगा 21 में एक ही बार जाएगा, तो 1 × 12 होगा 12 और 21 से 12 घटाया तो हमें मिलता है, आप चाहें तो इसे अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 9। पर हम दूसरी तरह से करते हैं, यहां पर करते हैं। तो यदि हम उधार लेते हैं 1, 2 से, तो ये 2 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 11। 11 × 2 होगा 9, 1 × 1 होगा 0, तो हमारे पास शेष होगा 9। तो अब हम इसे यहां मिश्रित संख्या में यानी 21/12 को लिखेंगे एक मिश्रित संख्या में इस प्रकार से, 1 सही 9/12। 1 हुआ 12/12 और उसके अतिरिक्त 9/12 भी है इसमें, तो इसे 1 सही 9/12 की तरह भी लिख सकते हैं। असल में हम इसे शुरू से ही सरल करके लिख सकते थे क्योंकि दोनों 21 और 12 3 से विभाज्य हैं, दे आर डिविजिबल बाय 3। पर अब हम सिर्फ 9/12 को सरल करेंगे, इसके अंश और हर को विभाजित करते हैं 3 से और हमें मिलता है 1 सही 3/4, 1 3/4। वैसे हम इसे शुरू से ही सरल कर सकते थे, 21/3 बराबर होगा 7 के, 12/3 बराबर होगा 4 के। तो ये बराबर है 7/4 के और यदि आप 7/4 को विभाजित करें तो 4 जाएगा 7 में 1 बार यानी 7 में से 4 घटाया और हमें मिला शेष 3। तो ये हुआ 1 सही 3/4।
हम अब इसे यहाँ पर आलेखित यानी प्लॉट करते हैं। तो ये है एक, हमें 3/4 कदम आगे जाना होगा। तो यह है आधा, यह है 1/4, यह है 2/4 और यह है 3/4। तो यहां पर यह आलेखित होगा। तो यहां पर अंकित होगा हमारा 21/12 जो कि बराबर है 7/4 के, और वो बराबर है 1 सही 3/4 के। और फिर हमारे पास है ऋणात्मक 5.5 -5.5, हम इसे गुलाबी रंग देते हैं। ऋणात्मक 5.5, तो ये है ऋणात्मक 5, तो ऋणात्मक 5.5 ठीक बीच होगा ऋणात्मक 5 और ऋणात्मक 6 के। पर पहले हम ऋणात्मक 6 को अपनी संख्या रेखा पर अंकित करते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी संख्या रेखा को बढ़ाना होगा कुछ इस तरह से। तो ये है ऋणात्मक 6, थोड़ी दाईं ओर इसे खिसका देते हैं। तो ये है ऋणात्मक 6 और ऋणात्मक 5.5 ठीक यहां बीच में होगा ऋणात्मक 5 और ऋणात्मक 6 के। तो ऋणात्मक 5.5 यहां पर अंकित होगा। और आखिर में हमारे पास है 2 सही 1/8, इसे भी हम एक सुंदर सा रंग देते हैं, नीला रंग ठीक लगेगा। 2 सही 1/8 यानी 2 और फिर 1/8, और इसका सही स्थान ढूंढने के लिए हमें इसे विभाजित करना होगा 8 बराबर भागों में। तो यहां पर होगा 4/8, यहां पर होगा 2/8, यहां पर होगा 6/8, तो ये होगा 1/8। तो 2 सही 1/8 यहां पे होगा। तो हम इसे जितना सही आलेखित कर सकते थे हमने उसे कर दिया है। वैसे ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इन्हें व्यवस्थित करना था हमें, पर इसमें कोई हर्ज भी नहीं अगर हम इन्हें सही स्थान पर अंकित करें व्यवस्थित करते हुए। तो हमने व्यवस्थित भी कर दिया और संख्या रेखा पर आलेखित भी कर दिया है। सबसे पहले सबसे छोटा ऋणात्मक 5.5, फिर ऋणात्मक 5, फिर 0, फिर धनात्मक 1/2, फिर 21/12, फिर 2 सही 1/8 और फिर 3.3। बस हो गया।